हे गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ ये सेलिना गोमेज़ का इंस्पायर्ड मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपने देखा है कि ये बहुत ही सिंपल मेकअप है, तो बट येट बहुत ही ग्लैम है, तो मैं इसे उसी तरह से रखने की पूरी कोशिश करूंगी। पर्पल का प्राइमर अप्लाई किया है मैंने, एंड पर्पल का प्राइमर अप्लाई करने के बाद यू कैन सी सम पिंपल्स आर देयर ऑन माय फेस, सो आई विल डू कलर करेक्टिंग। और अपने स्किन टोन के कलर का मैंने कंसीलर लिया है फ्रॉम एले गर्ल फ्रॉम अ ब्रश, और इसको ब्रश से ब्लेंड कर लेने के बाद मैं फाउंडेशन लूँगी। फाउंडेशन के लिए मैं ओरिफ्लेम का फाउंडेशन ले रही हूँ, द वन का। ये आपको बहुत ही लाइट कवरेज देता है बट स्टिल बहुत ही डीवी फिनिश देता है, सो मुझे ऐसा ही कोई फाउंडेशन चाहिए था क्योंकि सेलिना का जो मेकअप है वो काफ़ी ड्यूई टाइप का है। सो इसको ब्लेंड कर लिया है मैंने अच्छी तरीके से, एंड यू कैन सी के ब्लेंड करने के बाद बहुत ही अच्छा एक शाइनिंग इफेक्ट है मेरे फेस पे। सो इसको मैं फिर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, एंड आई हैव टेकन मेबलिन कंसीलर, और मैं इसे अपने फेस को हाईलाइट कर ले रही हूँ। एंड हाईलाइट कर लेने के बाद मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी, एंड मुझे बहुत ही लाइट कवरेज चाहिए था पूरे मेकअप में, सो दैट्स इट। एंड बहुत ही लाइटली मैं पाउडर से इसे सेट करूँगी, स्पेशली बस उस जगह पे करूँगी जहाँ पे क्रीज होते हैं, एंड और कहीं पे भी नहीं, क्योंकि डीवी फिनिश वरना ख़त्म हो जाएगा, वो मैट हो जाएगा। अब मैं स्टिक करके का स्टिक ब्लश लिया है मैंने, एंड इसको अप्लाई कर लेने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरीके से, एंड यू कैन सी बहुत ही नेचुरल टाइप का लुक आ रहा है इसके साथ। सो यू कैन यूज़ दिस ऑन डेली बेसिस, द स्टिक इज़ रियली गुड। इसके बाद मैं आईब्रो टिंट जेल लिया है मैंने, और इस तरह से पहले हाथ पे एक्सेस निकाल लिया है, और इसी से मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। बहुत ही नेचुरल लुक है सेलिना गोमेज़ का, बहुत ही इजी है बट येट बहुत ग्लैम है जैसा मैंने बताया। अब मैंने ग्लिटर गैलेक्सी का डे ड्रीम पैलेट लिया है, और उसमें से एक गोल्ड कलर, नॉट गोल्ड, रोज़ गोल्ड कलर लेके पहले उसको पूरे अपने आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी, एंड अप्लाई करने के बाद ये ब्राउन कलर लूँगी, न्यूट कलर है, और इसको अपने क्रीज पे अप्लाई करूँगी। आई मेकअप इज़ कम्प्लीट, यहीं पर कम्प्लीट हो जाता, दैट्स इट। अब इसके बाद मैंने जेल आईलाइनर लिया है मेबलिन का, और इसको मैं अप्लाई कर ले रही हूँ एक बहुत ही फाइन ब्रश की हेल्प से, और मैं विंग ड्रॉ करूँगी, एंड विंग जो है यही पूरे मेकअप की एक जान है, जो विंग आईलाइनर है, तो मैं विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। एंड फिर शुगर का काजल लेकर मैं अपने वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी, एंड नाउ आई विल स्टार्ट स्मजिंग द आईलाइनर एंड काजल विथ अ ब्लैक आई शेडो। क्यों? क्योंकि उनका एक स्मोकी इफेक्ट है आईलाइनर और काजल में, सो ब्लैक आई शेडो लेके मैं उसे ब्लेंड कर ले रही हूँ, बट एज वेल एज मैं शार्पनेस का ध्यान रखूँगी। हाइलाइटर मैंने स्विस ब्यूटी का लिया है, एंड इसके बाद मैं मस्कारा लूँगी हुदा ब्यूटी का, हुदा ब्यूटी का मस्कारा अप्लाई किया मैंने, एंड आफ्टर अप्लाइंग मस्कारा आई विल अप्लाई फॉल्स आईलैशेस, बट बिफोर फॉल्स आईलैशेस आई एम अप्लाइंग लिपस्टिक, दिस इज़ फ्रॉम मेबलिन, एंड मेबलिन का ये जो लिपस्टिक है ये रिसेंटली मैंने मिंत्रा से परचेस किया है, दो के सेट आ रहे थे तो उसमें मुझे ये मिला है, एंड इसके ऊपर मैं शायद स्टाइल का लिक्विड मैट रेड लिपस्टिक अप्लाई करूँगी टू मतलब जस्ट वैसा एक कॉपी देने के लिए। सो दैट्स इट, ये था इतना सिंपल सा मेकअप। सो आई होप आपको मेरा ये मेकअप पसंद आया होगा। आई हैव अप्लाइड फॉल्स आईलैशेस आल्सो, एंड दिस फॉल्स आईलैशेस इज पिंक फॉल्स आईलैशेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़, और कमेंट तो ज़रूर भी कीजिए, मुझे अच्छा लगता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।